अन्य धर्मावलंबी और पंथ के लोगों की भी आस्था आस्था। अगर आपको अपनी आस्था का चिंता है तो दूसरों की भी आस्था की चिंता करनी चाहिए। वहां राहुल सिसोदिया की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं जिसको रावल कहते हैं, ये जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। आजकल जितनी भी खंडित मूर्तियां धरती से खोद कर निकाली जाती हैं वह शंकराचार्य के समय में तोड़ी गई थी। मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोलने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी जिसे मैंने कहा था 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आज शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। इस पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मौर्य जी ने हमारी आस्था को कहीं ना कहीं अपने इस बयान से प्रभावित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर इतने कहना चाहता हूं उत्तराखंड के सबकी आस्था महत्व रखती, आपकी आस्था अगर आस्था है तो अन्य धर्मावलंबी और पंथ के लोगों की भी आस्था आस्था। अगर आपको अपनी आस्था का चिंता है तो दूसरों की भी आस्था की चिंता करनी चाहिए। एक पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा था कि मौर्य जी राजनीतिक बयान दे रहे हैं, यह शुद्ध रूप से भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ का सम्मान करते हुए देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए दिया गया बयान है। इसको कि कोई भी अपने भावना और आस्था का हवाला देकर हवा हवाई बात करने से बाज आए बल्कि गंभीरता से चिंतन करें और ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जाएं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं महापंडित राहुल सिसोदिया जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा हिमालय परिचय एक राहुल सिसोदिया इसमें उन्होंने लिखा है मूर्ति का अवलोकन कर और साथ ही साथ वहां राहुल सिसोदिया की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं जिसको रावल कहते हैं उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था
इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है और यह भी बतला रहे हैं इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है। यह है राहुल सत्यान जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी जानता है उसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे दूसरों को अपने अधिकार में ले लिया और उनका पुनः हिंदूकरण कर दिया। अभी हमें भी ऐसे कई काम करने होंगे। स्वामी विवेकानंद द सेज ऑफ इंडिया इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम कलकत्ता खंड 3 पृष्ठ 264। इसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। दयानंद सरस्वती के हवाले से जो सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 11 पृष्ठ 347 जो इनका मूल ग्रंथ है उसमें उल्लिखित है कि 10 वर्षों तक स्वामी दयानंद सरस्वती 10 वर्षों तक आदि शंकराचार्य ने पूरे देश का दौरा किया, जैन धर्म का खंडन किया, वैदिक धर्म की वकालत की। आजकल जितनी भी खंडित मूर्तियां धरती से खोद कर निकाली जाती हैं वह शंकराचार्य के समय में तोड़ी गई थी, जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पाई जाती हैं उन्हें जैनियों ने जैन धर्म त्यागने वालों द्वारा तोड़े जाने के डर से जमीन में गाड़ दिया है। आदि शंकराचार्य और तथाकथित कुछ हिंदू राजाओं के नेतृत्व में भयंकर रूप से किया गया, उसका बहुत विस्तार से अध्ययन डीएन झा ने अपने माध्यम से आप सबको परोसने का काम किया है। संक्षेप में मैंने उसका हवाला आपको दे दिया, विस्तार से इस पुस्तक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जो आज बोला है ये आप सपा महासचिव की हैसियत से बोल रहे हैं या आपकी ये व्यक्तिगत बात है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सिपाल जी हो सकता है आपकी इन सब बातों का खंडन करते हुए ट्वीट जारी कर दें। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई। प्रसंग आया, किसी पत्रकार ने इस संबंध में प्रश्न किया था, मैंने अपनी ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक उसको उत्तर दिया था। और जब एक सम्मानित पूज्य शंकराचार्य जी ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐतिहासिक साक्ष्य दें, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए एतराज जताया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं ऐतिहासिक साक्ष्य दे रहा हूं। और पत्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जवाब दिया था जिससे ये बात आगे बढ़ी। एक सवाल, मायावती का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान, तो आप इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी भविष्य में? पहली बात तो मैं विवाद को रोकने का पक्षधर हूँ, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन ये जो कागज दिखा, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है उसको हम सबको सामूहिक रूप से यथावत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भाईचारा, अमन चैन
मैं नित्य प्रति साजिश के तहत दखल देने वालों के साजिश का एक जवाब मिल सके। लेकिन ये जो दस्तावेज स्वामी जी आप दिखा रहे हैं, इससे तो ये विवाद बढ़ेगा ना, घटेगा क्यों? नहीं तो हमने लोगों के मांगने पर दिया है ना, शंकराचार्य जी ने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, अन्यथा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं थी। मायावती कह रही है भावना फैला रहे हैं, बिनोनी राजनीति है, और ये सुश्री मायावती जी हमारी नेता रही हैं, मैं उनके हर प्रश्न का जवाब देना उनके सम्मान के विपरीत मानता हूं, लेकिन मेरी मंशा मुस्लिम और बौद्धों को खुश करने का नहीं है, बल्कि इस देश की जो तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम का, भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय अपने भाई भाई का, वो बना रहे। इसीलिए मैं सभी प्रकार के विवादों पर विराम लगाने का पक्षधर हूँ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।